हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सरकार के कार्यकाल को जहां 2.5 साल पूरे हो गए हैं, तो वहीं इन 2.5 सालों के कार्यों को कांग्रेसी नेता ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश की विपक्षी पार्टी भाजपा ने इसका बिल्कुल ही उलट बयान दिया है। हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सरकार के कार्यकाल को जहां 2.5 साल पूरे हो गए हैं, तो वहीं इन 2.5 सालों के कार्यों को कांग्रेसी नेता ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। तो वहीं बात करें विपक्ष पार्टी की, तो भाजपा के बयान बिल्कुल उलट आ रहे हैं। भाजपा नेताओं की माने तो 2.5 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक नहीं बल्कि काले अध्याय के रूप में जोड़ने की बात कर रहे हैं। डे एंड नाइट से बात करते हुए हिमाचल भाजपा के महासचिव व नैना देवी विधानसभा से विधायक रणधीर शर्मा ने हिमाचल सरकार के कार्यकाल को काला अध्याय करार देते हुए किसी भी प्रकार के विकास कार्य ना होने के साथ ही भ्रष्टाचार व घोटाले की सरकार बताया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने की बात भी कही है। कांग्रेस सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस दौरान ना तो कोई विकास कार्य हुए, ना ही जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई योजना कोई नीति बनी। उल्टा भ्रष्टाचार हुआ, घोटाले हुए और अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के षड्यंत्र रचे गए। प्रदेश सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केवल वन माफिया, भू माफिया व शराब माफिया ही प्रभावी है। वहीं प्रदेश सरकार के 30 प्रमुख घोटालों की लिस्ट प्रमाण सहित भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौंपने की बात भी कही गई है। वन माफिया प्रभावी है, खनन माफिया प्रभावी है, ड्रग माफिया प्रभावी है, शराब माफिया तो इतना ज्यादा प्रभावी है कि उन्होंने कैबिनेट के निर्णय को, जो शराब के ठेकों को नीलाम करने के बारे में लिया था, 15 दिन में उसको ही कैबिनेट से बदलवा दिया। उन्होंने 30 प्रमुख घोटालों का उसमें जिक्र किया और उनके दस्तावेज प्रमाण सहित महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपे, जो ये साबित करता है कि कांग्रेस सरकार का यह कार्यकाल घोटालों का कार्यकाल रहा है। हिमाचल सरकार के जहाँ 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेता इसे ऐतिहासिक कार्यकाल करार दे रहे हैं। वही बात करें हिमाचल भाजपा की, तो भाजपा के नेता इसे काला अध्याय के तौर पर जोड़ रहे हैं। जी हाँ, वही बात करें हिमाचल भाजपा के प्रदेश महासचिव रणधीर शर्मा की, तो डे नाइट से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर हिमाचल सरकार के कार्यकाल को काला अध्याय करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 मुख्य भ्रष्टाचारों को लेकर, घोटालों को लेकर एक रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंप दी गई है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, डेड न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।